चलिए तो अब हम बात करते हैं 2019 में जो रक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में या घटनाओं के बारे में। तो सितंबर माह की हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो शाहीन 8 चीन के होटन शहर में आयोजित पाकिस्तान और चीन के बीच संयुक्त द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। अगला, हमारा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के टोक्यो में जापान के रक्षा मंत्री ताकेशी लवैया के साथ जापान भारत रक्षा मंत्री बैठक की अध्यक्षता की है। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में भारतीय नौसेना की प्रवासी तैनाती। भारतीय सेना के 2 युद्धपोतों INS सहादी और INS किल्टन की भाग के रूप में 31 अगस्त से 3 सितंबर 2019 तक पोर्ट कॉल के लिए बैंकॉक के लाम चाबंग पहुंचे। पोर्ट कॉल थाईलैंड के साथ भारत के संबंधों का एक प्रदर्शन है। अगली बात करते हैं, पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में सोन मियानी परीक्षण रेंज से हाइपरसोनिक सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल हत्या गजनवी का सफलतापूर्वक विक्षेपण किया है। अगला, अमेजन इंडिया ने मिलिट्री वेटरन्स एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। अमेजन इंडिया ने देश में मिलिट्री वेटरन्स एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। ई कॉमर्स दिग्गज की इस पहल से भारत में कंपनी के 100 शॉर्ट सेंटर, डिलीवरी सेंटर और पूर्ति केंद्रों के साथ साथ सैन्य दिग्गजों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके लिए अमेजन इंडिया ने महानिदेशक ऑफ रीसेट सेटलमेंट के कार्यालय के साथ भागीदारी की है। अगला, हमारा IAF ने 8 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किए। भारतीय वायुसेना ने अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर 8 अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किए। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा बनाया गया है और यह भारतीय वायुसेना की क्षमताओं का मुकाबला करने के लिए प्रमुख प्रोत्साहन देगा। बात करते हैं रक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में 2019 अगस्त के बारे में। तो IAF की सलीजा धामी पहली महिला पायलट फ्लाइट कमांडर बनी। भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर सलीजा धामी देश की पहली महिला अधिकारी हैं जो एक फ्लाइंग यूनिट के फ्लाइटर कमांडर बनी है। अगली बात, हैदराबाद में एस्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन किया गया। एक एंडो इजराइल संयुक्त उद्यम के एस्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था। एस्ट्रा माइक्रोवेव और इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के बीच संयुक्त उद्यम कई वेरिएंट में अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर परिभाषित रेडियो का निर्माण करने वाला भारत का पहला निजी क्षेत्रीय फर्म बन गया। अगली बात करते हैं, भारतीय नौसेना मार्च 2020 में बीजान में नौसैनिक अभ्यास मिलन की मेजबानी करेगी। भारतीय नौसेना को मार्च 2020 में विशाखापट्टनम में मिलन नाम के बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी मार्च महीने में करनी है। अगली बात करते हैं, भारत चीन पाकिस्तान के साथ SCO अभ्यास सेंट 2019 के द्वारा भाग लिया जाएगा। भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के तहत आगामी प्रमुख सैन्य अभ्यास त्रिसेंट 2019 में भाग लेंगे, जिसे रूस के ओरेंग वर्ग में 10 से 21 सितंबर की अस्थायी रूप से निर्धारित अवधि से आयोजित किया जाएगा। SCO सदस्य में शामिल है चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान। ठीक है, अगला, ईरान ने तीन नई परिशुद्धता निर्देशित मिसाइलों का अनावरण किया है। ईरान ने तीन सटीक निर्देशित मिसाइलों का अनावरण किया है। एयर टू एयर मिसाइल की नई लाइनअप का नाम यासीन वल्वन और गेम की एक नई श्रृंखला मंत्रालय और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया, जिसे ईरानी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के रूप में जाना जाता है। यासीन एयर फोल्डिंग विंग्स के साथ स्मार्ट गाइडेड मिसाइल है, जिसे मानव युक्त या मानव रहित विमानों से अपने लक्ष्य की 50 किलोमीटर की रेंज से दागा जा सकता है। बलवन के बारे में बात करें तो GPS और सेंसर द्वारा निर्देशित होता है। यह फोल्डिंग बैग्स से भी लेस है, इसे विमान के नीचे रखा जा सकता है। थीम घीम की बात करें तो यह ऊष्मा प्राप्त करने वाली मिसाइल है जो लक्ष्य के
50 सेंटीमीटर के भीतर लक्ष्य को मारने में सक्षम है। अगली है QRSAM DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज उड़ीसा में चांदीपुर में क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के अपने राज्य के दो बैक टू बैक उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए। अगली बात करते हैं EESL के साझेदारी में भारतीय सेना प्रदूषण से निपटने के लिए ई कार का इस्तेमाल करती है। एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में भारतीय सेना ने नई दिल्ली में अपने अधिकारियों के उपयोग के लिए ई कार को रोजगार देने की पारिस्थितिकी पहल शुरू की है। इस पारिस्थितिकी पहल के तहत पहले 10 ई कारों को भारतीय सेना द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी। अब भारतीय सेना अर्थव्यवस्था दक्षता और न्यूनतम उत्सर्जन सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में ई कारों की संख्या में और वृद्धि करने की योजना बना रही है। अगली बात करते हैं, भारतीय सेना ने जम्मू में मिशन रीच आउट शुरू किया है। भारतीय सेना ने जम्मू में मिशन रीच आउट शुरू किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुच्छेद 370 के प्रावधानों और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद से बाद क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हैं हो। इस संबंध में क्षेत्र पिछले स्थिति की समीक्षा के लिए नगरोटा मिलिट्री स्टेशन में उच्च स्तरीय मिशन रीच आउट सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगले स्पेस एक्स सहित AMOS-17 द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट इजराइल के उपग्रह से लॉन्च किया गया। अमेरिकी की वाहक रॉकेट फाल्कन 9 ने फ्लोरिडा अमेरिका में इजराइल के उपग्रह AMOS-17 को पैड से दूर किया है। यह ऑर्बिट क्लास रॉकेट का स्पेस एक्स का 25 बार रिफ्लेक्शन और यह बूस्टर की तीसरी उड़ान है। अगली बात करते हैं, INS तराक ने भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की शाही नौसेना के बीच कॉन्कर्ड 19 द्विपक्षीय अभ्यास के 14वें संस्करण में भाग लिया है। भारतीय नौसेना के स्टील्थ फ्रिगेट INS तराक ने भारतीय नौसेना के बीच वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यासों के कॉन्कर्ड 19 श्रृंखला के 14वें संस्करण में भाग लिया। यूनाइटेड किंगडम यूके के दक्षिण तट से ब्रिटेन की शाही नौसेना है। अगली बात करते हैं, DRDO ने मोबाइल मेटेलिक रैम का डिजाइन भारतीय सेना को हस्तांतरित किया है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मोबाइल मेटेलिक रैम का डिजाइन भारतीय सेना को हस्तांतरित कर दिया है। अब बात करते हैं जुलाई 2019 के रक्षा से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में। तो ऑपरेशन सुदर्शन के बारे में बात करें तो सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तान के साथ सीमा मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। सीमा सुरक्षा बल BSF ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सीमा पर एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड बनाने के लिए सुदर्शन नाम से एक बड़ा अभियान शुरू किया है। जून 2019 के करंट की बात करें रक्षा क्षेत्र से संबंधित, तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रद्धांजलि वीडियो जारी किया है। कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए भारतीय सेना ने देश के लिए लड़कर बलिदान देने वाले कारगिल शहीदों को सम्मान सलामी और श्रद्धांजलि देने हेतु एक विशेष कारगिल श्रद्धांजलि गीत प्रस्तुत किया है। तुझे भूलेगा ना तेरा हिंदुस्तान शीर्षक गीत प्रसिद्ध बॉलीवुड गीतकार समीर ने लिखा है। देश 26 जुलाई 2019 को कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मनाएगा। ऑपरेशन विजय की 20वीं वर्षगांठ की थीम याद रखे खुशी मनाए और नया करें होगी। ऑपरेशन बंदर के बारे में बात करें तो बालाकोट स्ट्राइक के लिए AIAF का एक कोड था। वरिष्ठ रक्षा सूत्रों के अनुसार गोपनीयता बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं लीक ना हो बालाकोट के संचालन को कोड नेम ऑपरेशन बंदर किया दिया गया था। 26 फरवरी को कई हवाई ठिकानों से उड़ान भरते हुए 12 मिराज ने पाकिस्तानी वायु अंतरिक्ष में पार किया और खैबर पख्तूनवा प्रांत के बालाकोट शहर में जैश ए मोहम्मद के आतंकी शिविर पर मिसाइल हमले किए। भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हमलों पायलटों ने 5 स्पाइस 2000 बम गिराए। अब बात करते हैं, IAF ने इजराइल से स्पेयर 2000 बम खरीदने के लिए 300 करोड़ रुपए का समझौता किया है। भारतीय वायुसेना ने स्पेस 2000 गाइडेड बमों की खेप की खरीद के लिए इजराइल की रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम के साथ 300 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्पेस का नाम है स्मार्ट प्राइसिंग इंपैक्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। यह इजराइल की रफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा
निर्मित निर्देशित युद्ध कौशल युक्त किट है। अगली बात करते हैं ऑपरेशन संकल्प। तो भारतीय वायुसेना ने फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया, जो क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय ध्वजवाहक जहाजों की सुरक्षित मार्ग को सुनिश्चित करने के लिए किया गया। यह ऑपरेशन क्षेत्र में हाल ही में हुई समुद्री घटनाओं के बाद हुआ है। भारतीय नौसेना जहाज INS चेन्नई कोलकाता श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल नाशक और INS सुन एना सरयू श्रेणी गश्ती पोत को समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए क्षेत्र में तैनात किया गया। अगली बात करते हैं ऑपरेशन साइट सनराइज। भारत और म्यांमार के बीच सेनाओं ने आतंकी शिविरों को नष्ट करने के लिए अपने संबंधित सीमावर्ती क्षेत्रों में 3 सप्ताह लंबा साझा ऑपरेशन ऑपरेशन सनराइज सेकंड आयोजित किया है। इस ऑपरेशन का लक्ष्य मणिपुर, नागालैंड और असम में सक्रिय आतंकवादी समूह थे। यह ऑपरेशन सनराइज का दूसरा संस्करण था। अगली बात करते हैं हम लोग सरकार रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी स्थापित करेगी। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार की रक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रक्षा अंतरिक्ष अनुसंधान एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी है। DSRO को अंतरिक्ष युद्ध हथियार प्रणाली और तकनीकी नींव बनाने का कार्य सौंपा गया है। यह एजेंसी रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी को अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान करेगी, जिसमें तीनों सेनाओं के सदस्य शामिल होंगे। अगला है रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी बेंगलोर में एक एयर वाइस मार्शल रैंक के अधिकारी की देखरेख में स्थापित की जा रही है, और यह धीरे धीरे तीनों सेनाओं के अंतरिक्ष संबंधी कार्यों को अपने अधिकार में ले लेगी। अगली बात करते हैं भारतीय वायुसेना की IAF की फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना सिंह दिन में हॉक एडवांस जेट विमान में उड़ान भरने वाली पहली महिला पायलट बन गई। अगला ICG बारबी आर कैप ICISC समर्थ निर्माण कार्यशाला की सह मेजबानी करेगा। भारतीय तटरक्षक बल ने नई दिल्ली में रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट ऑन कॉम्बेटिंग प्राइवेसी एंड आर्म्ड रोबरी अगेंस्ट शिप इन एशिया इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर के साथ बारहवीं समर्थ निर्माण कार्यशाला का सह आयोजन किया है। रीकैप, एशियाई समुद्र में चोरी और सशस्त्र डकैती से निपटने के लिए पहला क्षेत्रीय सरकारी समझौता है। वर्तमान में 20 देश रीकैप के सदस्य हैं। अगली बात करते हैं हम लोग भारत रीकैप ISC की स्थापना और कार्यों में जापान और सिंगापुर के साथ सक्रिय भूमिका निभाई। अब मई 2019 के रक्षा से संबंधित घटनाओं की बात करते हैं। आकाश मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। DRDO ने उड़ीसा तट पर बालासोर में एक नए स्वदेशी रूप से विकसित खोजक के साथ सतह से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली आकाश के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया। मध्यम दूरी के अनेक लक्ष्यों को भेदने में सक्षम मिसाइल को एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम के एक भाग के रूप में विकसित किया गया था, जिसके तहत नाग, अग्नि, त्रिशूल और पृथ्वी मिसाइल का विकास हुआ। सुपर सैनिक मिसाइल को मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर और 18,000 मीटर की ऊंचाई तक। अगली बात करते हैं भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सुपरसोनिक बैम्बू क्रूज मिसाइल की हवाई संस्करण का सफल परीक्षण किया है। यह 2.5 टन वजनी सुपरसोनिक वायु से सत्तह मारक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता लगभग 300 किलोमीटर है। वैसे बैम्बोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया। अगली बात करते हैं भारतीय नौसेना का पहला पूर्ण विकसित SSV कोलकाता में खोला गया। भारतीय नौसेना का पहला पूर्ण विकसित सेवा चयन बोर्ड का उद्घाटन नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता के पास डायमंड हार्बर में किया है। यह भारतीय नौसेना का 5वां SSV है। अन्य बोर्ड की बात करें तो भोपाल, बेंगलोर, विशाखापट्टनम, कोयम्बटूर में है। भारतीय वायुसेना ने अपने फ्रंट लाइन SU-30 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल परीक्षण किया है। अगली बात करते हैं भारतीय तटरक्षक जहाज विग्रह को सेवा मुक्त किया गया है। भारतीय तटरक्षक जहाज विग्रह को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त किया गया है। यह एक प्रथम श्रेणी का तटीय गश्ती पोत है। अगली बात करते हैं DRDO द्वारा इन सीरियल गाइडेड बम का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के राजस्थान के पोखरण रेंज में
SU-30 MKI विमान से 500 किलोग्राम वजनी इंडस्ट्रियल गाइड बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। अगला हमारा शाहीन सेकंड का पाकिस्तान द्वारा सफल परीक्षण किया गया। पाकिस्तान ने शाहीन सेकंड नामक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मिसाइल का लक्ष्य अरब सागर में था। मारक क्षमता है इसकी 1500 से 2000 किलोमीटर तक लक्ष्य को मारने में सक्षम है। यह भूमि आधारित सुपरसोनिक मध्यम श्रेणी की सतह से सतह पर मार करने वाली गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। अगली बात करते हैं सहारा वीर नारियों के लिए छात्रावास। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नई दिल्ली के वसंत कुंज में वीर नारियों के लिए सहारा नौसेना छात्रावास का उद्घाटन किया। यह नौसैनिक विधवाओं या वीर नारियों के लिए एक अनूठी छात्रावास होगी योजना। इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना में कार्य करने वाले सैनिकों के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के तुरंत बाद नौसैनिकों की विधवाओं उनके परिवारों को पुनर्वास प्रदान करना है। अगला है भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने कारगिल में ऑपरेशन सफेद सागर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले वायु सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए भीसी याना और सर सावा वायु सेवा सेना स्टेशनों का दौरा किया है। सफेद सागर के बारे में ऑपरेशन व्हाइट सी के बारे में बात करें तो 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना की भूमिका को भारतीय थल सेना के सैनिकों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने के लिए सौंपा गया था। इसका उद्देश्य नियंत्रण रेखा के साथ कारगिल सेक्टर में खाली पड़ी भारतीय पोस्टों से पाकिस्तानी सेना के नियमित और अनियमित सैनिकों को बाहर निकालना था। वर्ष 1971 के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से यह जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में वायुसेना का पहला बड़े पैमाने पर उपयोग था। अगली बात करते हैं भारतीय नौसेना ने MRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने मध्यम दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अगली बात करते हैं चीन ने पहला मूर्ता निरीक्षित बहुभूमिका वाला JF-17 थंडर फाइटर जेट पाकिस्तान वायुसेना को दिया है। अगली बात करते हैं DRDO ने अभ्यास का सफल हवाई परीक्षण किया है। भारत ने उड़ीसा के एक परीक्षण रेंज से अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल हवाई परीक्षण किया है। बालासोर के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण छड़ रेंज से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया परीक्षण विभिन्न रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक प्रणालियों द्वारा निगरान की गई है। अगला है भारतीय वायुसेना का AN-32 मालवाहक विमान असम के जोरहाट से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया। आपको बता दें विमान में कुल 13 सवार थे जिसमें 8 क्रू सदस्य और 5 यात्री थे। अगली बात करें तो भारतीय सेना ने वर्ष 2019 में परिजनों के लिए अगला वर्ष के रूप में मनाया। भारतीय सेना इस वर्ष को परिजन के लिए अगले वर्ष के रूप में मना रही है और इसका उद्देश्य युद्ध के हताहत पूर्व सैनिकों और सैनिकों के वित्तीय लाभ कल्याणकारी योजनाओं पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान में मदद करने के लिए उन्हें सूचित करना है। अगली बात करते हैं प्रथम AH-64E अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से अमेरिका के एरिजोना में बोइंग उत्पादन सुविधा में भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया। IAF ने 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार और बोइंग लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अगली बात करते हैं भारत ने रूस से 3600 करोड़ रुपए के लिए 10 कामो 31 हेलीकॉप्टर खरीदेगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 10 कामो के 31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल हेलीकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दी है। सौदे की लागत लगभग 3600 करोड़ रुपए होगी। भारतीय नौसेना ने चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बेला शुरू की है। परियोजना 75 के भारतीय नौसेना की स्टील्थ स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी INS बेला को महाराष्ट्र में मुंबई के मजगांव डॉक लिमिटेड के कान्यो जियंगरे वेट बेसिन में लॉन्च किया गया। अगली बात करते हैं हम लोग INS रंजीत को डिक मेसन किया गया। INS रंजीत एक भारतीय नेवी विध्वंसक है जो तत्कालीन USSR द्वारा बनाया गया था का डिमोशन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। 5 कमीशन श्रेणी के विध्वंस में से यह तीसरा है। वर्ष 1983 में कमीशन किया गया था और 36 वर्षों से नौसेना के लिए सेवा प्रदान करता है। जात को विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड में एक समारोह में डिकमिशन किया। अब अप्रैल 2019
की बात करते हैं, रक्षा से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं, रक्षा से संबंधित, तो नेवी चीफ ने नई गाइड मिसाइल विध्वंस INS इम्फाल लॉन्च किए। स्वदेशी तौर पर डिजाइन किए गए INS इम्फाल एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक को नौसेना प्रमुख सुनील लांबा ने मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में लॉन्च किया। यह जहाज भारतीय नौसेना के नौसेना डिजाइन निदेशालय नई दिल्ली द्वारा डिजाइन किया गया। अगली बात करते हैं INS कोलकाता, INS शक्ति चीन में IFR में भाग लेंगे। भारतीय नौसेना अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लेगी, जो कि चीन के किंग दाओ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी की 70वीं वर्षगांठ समारोह में होने वाला है। भारतीय नौसेना IFR में स्वदेशी निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंस INS कोलकाता और जल सेना सहायक जहाज INS शक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाएगा। अगली बात करते हैं भारत ने सफलतापूर्वक उपसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भर का परीक्षण किया। भारत ने उड़ीसा में एक परीक्षण रेंज से लंबी दूरी की पहली बार स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उपसोनिक क्रूज मिसाइल निर्भर का परीक्षण किया है। यह हर मौसम में उपयुक्त मिसाइल की 1000 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज है। मिसाइल को बेंगलुरु स्थित विमान की विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया, जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के तहत एक प्रयोगशाला है। अगली बात करते हैं, भारतीय सेना ने लेह लद्दाख में सिंधु नदी पर सबसे लंबा झूला पुल बनाया। भारतीय सेना ने लेह लद्दाख क्षेत्र में सिंधु नदी पर सबसे लंबा झूला पुल मैत्री ब्रिज का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। 40 दिनों के रिपोर्ट समय में निर्मित मैत्री ब्रिज सिंधु नदी पर बना सबसे लंबा पुल है। अगला, भारत की पहली स्वदेशी निर्मित धनुष तोप सेना में शामिल। भारतीय मारक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में जबलपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान स्वदेशी निर्मित भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित धनुष तोप का को भारतीय सेना में शामिल किया गया। धनुष 150 मिमी 45 कैलिबर की खींचने वाली प्रणाली को सभी प्रकार के इलाकों में तैनात किया जा सकता है। धनुष बंदूक प्रणाली बोफोर्स होवित्जर के डिजाइन पर आधारित है, जिसे वर्ष 1980 में सेना में शामिल किया गया था। अगली बात करते हैं, भारतीय नौसेना जहाज चीनी अंतरराष्ट्रीय बेड़ी की समीक्षा में भाग लेगा। याद रखिए, भारतीय नौसेना जहाज चीनी अंतरराष्ट्रीय बेड़ी की समीक्षा में भाग लेगा। अगला हमारा GRSE 100 युद्ध पोत देने वाला पहला भारतीय शिपगार्ड बन गया। गार्डन रिच शिपगार्ड वेल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 100 युद्ध पोत बनाने और वितरित करने वाला पहला भारतीय शिपगार्ड बन गया। अगला हमारा तटरक्षक गश्ती जहाज वीरा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में डॉक यार्ड में नौसेना जिट्टी में आयोजित एक समारोह में भारतीय तटरक्षक जहाज वीरा को कमीशन किया है। कोस्ट गार्ड के अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में वीरा LNT द्वारा चेन्नई के कट्टुपली में जहाज निर्माण सुविधा में बनाया गया था। अब मार्च 2019 की बात करते हैं, रक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो हमारा पहला चीनूक हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना ने औपचारिक रूप से CH-47F चीनूक हैवी हेलीकॉप्टर को वायुसेना में सेना स्टेशन चंडीगढ़ में अपनी सूची में शामिल किया। IAF ने सितंबर 2015 में 15 चीनूक हेलीकॉप्टर के लिए बोइंग लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। अगली बात करते हैं, भारतीय नौसेना के अत्याधुनिक परमाणु जैविक और रासायनिक प्रशिक्षण सुविधा का उद्घाटन INS शिवाजी लोनावाला में नौसेना स्टाफ एडमिरल सुनील लामा द्वारा किया गया। प्रशिक्षण का सुविधा का नाम है अवेधा रखा गया, जिसका अर्थ होता है संस्कृत में अभेद्य। अगली बात करते हैं, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने राजस्थान में पोखरण रेंज से पिनाका निर्देशित रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला हमारा, US स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस हैदराबाद में NSG के साथ अभ्यास किया। जापान में तैनात यूनाइटेड स्टेट्स स्पेशल फोर्सेस ग्रुप भारत के हैदराबाद में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के साथ एक संयुक्त अभ्यास में शामिल है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के सशस्त्र बलों की क्षमताओं को बढ़ाना है। विजित इंडोनेशिया जाने के लिए पहला भारतीय तटरक्षक जहाज बन गया है। भारतीय तटरक्षक जहाज विजित
सवांग इंडोनेशिया जाने वाला पहला तटरक्षक जहाज बन गया है। अगली बात करते हैं, एयरो इंडिया 2019 में बेंगलोर में आयोजित हुआ है अंतरराष्ट्रीय एयरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण। एयरो इंडिया 2019 का आयोजन 24 फरवरी 2019 को बेंगलोर के वायुसेना स्टेशन एल अंका में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। एयरो इंडिया 2019 में द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटीज टैगलाइन थी, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विमान क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा और भारतीय विमानन प्रगति को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अगली बात करते हैं, भारत ने 72,400 असॉल्ट राइफलों की खरीदने के लिए अमेरिका के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने 72,400 नए 6 असॉल्ट राइफल के साथ भारतीय सेना का लाभ उठाने के लिए फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत अमेरिका के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो सेना की इन्वेंट्री सीमावर्ती राइफलों का निश्चय करेगा। अगली बात करते हैं, हिना जायसवाल पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी। चंडीगढ़ की फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल भारतीय वायुसेना की पहली भारतीय महिला फ्लाइट इंजीनियर बन गई। अगली बात करते हैं, ईरान की पहली सेमी हैवी मिसाइल लेस पनडुब्बी फतेह का अनावरण हुआ। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने पहली ईरानी सेमी हैवी पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसका नाम फतेह मिसाइल से लैस होने के कारण है। इसके पास लगभग 200 किलोमीटर की सतही वाली उपक्षेपास्त्र मिसाइल है और यह क्षेत्र में इजराइल और अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुंचने में सक्षम है। अब बात करते हैं, जनवरी और फरवरी 2019 में जो घटनाएं हुई हैं रक्षा संबंधित क्षेत्र से उनके बारे में। तो ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल होई का सफल परीक्षण उड़ान की घोषणा की है। तो याद रखिए, ईरान ने लंबी दूरी की क्रूज होई मिसाइल। भारतीय नौसेना ने हमला, भारतीय नौसेना तट पर LRSAM मिसाइल का परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के तट से 2 युद्धपोत INS चेन्नई से लंबी दूरी की सतह से हवा मारक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह भारतीय नौसेना के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई। LRSAM की अधिकतम गति है Mach 2 और इसकी मारक क्षमता है 70 किलोमीटर। LRSAM को बराक 8 के नाम से भी जाना जाता है। यह मिसाइल विमानों, मानव रहित वायुयान और जहाज मारक मिसाइलों पर जवाबी हमला कर सकती है। अगली बात करते हैं, महिलाओं को सैन्य पुलिस में 20% नौकरियां मिलेंगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सैन्य पुलिस के दल में PBOR पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक भूमिका में महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की है। सैन्य पुलिस के संपूर्ण दल में अंततः 20% महिलाओं को एक श्रेणीबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। अगला, अरुणाचल प्रदेश के डिफो ब्रिज का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अरुणाचल प्रदेश में 18 जनवरी को लोअर दिबांग घाटी जिले में चीपू नदी पर डिपो ब्रिज का उद्घाटन किया है। पुल का निर्माण सीमा सड़क संगठन के उदयक प्रोजेक्ट द्वारा किया गया। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले निजी उपग्रह संयंत्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत के पास हजीरा के लार्सन एंड ट्रोबो द्वारा विकसित आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। यह देश का पहला निजी केंद्र है जहाँ K9 वर्ज 100 नोदित होवित्ज़र तोपों का निर्माण कराया जाएगा। L&T ने 2017 में भारतीय सेना को K9 वर्ज T155 मीटर 5 बाउंड के लिए टैक्स्ड सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम की 100 इकाइयों की आपूर्ति के लिए 4500 करोड़ रुपए का अनुबंध हासिल किया था। अगला, राष्ट्रीय रक्षा विनिर्माण आत्मविश्वास सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन स्वदेशी रक्षा उद्यमी संघ के सहयोग से राष्ट्रीय एकीकृत सुरक्षा फोरम द्वारा किया गया है। अगला है, नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने नए नौसेना एयरबेस INS कुहासा में इसको शामिल किया। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के डिगलीपुर में नए नौसेना एयरबेस INS कुहासा को बेड़े में शामिल किया। द्वीपों में तीसरा नौसैनिक हवाई अड्डा होगा। अगला है, भारत का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र नासिक महाराष्ट्र में खोला जाएगा।
तमिलनाडु के कोयम्बटूर के बाद देश का दूसरा नवाचार केंद्र महाराष्ट्र के नासिक में खोला जाएगा। भारत का पहला रक्षा नवाचार केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कोयम्बटूर जिला लघु उद्योग द्वारा की जाएगी। पिछले वर्ष जनवरी में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुडिसिया के तहत केंद्र स्थापित करने के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की थी। अगला हमारा तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ चेन्नई में से 300 किलोमीटर दूर तिरुचिरापल्ली में तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे का उद्घाटन किया। रक्षा औद्योगिक गलियारे में चेन्नई, होसूर, सलेम और कोयम्बटूर तिरुचिरापल्ली नोडल शहर के रूप में शामिल होंगे। तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारे को तमिलनाडु डिफेंस प्रोडक्शन क्वाड भी कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के बाद देश में खोला जाने वाला दूसरा रक्षा औद्योगिक गलियारा है। पहला रक्षा गलियारा अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से शुरू किया गया था। चेन्नई के श्री पेरम्बटू बदूर में तमिलनाडु एयरो स्पेस पार्क खोला गया। चलिए दोस्तों, ये था 2019 में जो रक्षा से संबंधित घटनाएं हुई है उनके बारे में।